सो हाय गाइस, सत श्री अकाल। आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग ग्रेट। दिस इज़ पारस मार्केट फ्रॉम स्ट्रीट ऑटोमोटिव कस्टम्स। एंड आज हम कर रहे हैं किया। दिस इज़ द किया सेल्टॉस। दिस इज़ द टॉप मॉडल ऑफ किया सेल्टॉस। एंड इसमें आज हम कर रहे हैं पीपीएफ जो हमने इस कार में किया है और जो कर रहे हैं, दैट इज़ अ थ्री लेयर पीपीएफ। हेक्सेस का पीपीएफ है, दैट इज़ अ थ्री लेयर। तो हमने पीपीएफ की जस्ट गो थ्रू द कार एंड शो यू कि हमने कौन से पैनल्स कर दिए हैं एंड कौन से करने हैं। ये हमारे बलजीत भैया हैं, राइट, ही इज 3M स्पेशलिस्ट। तो इन्होंने पूरी गाड़ी की है और जस्ट टू मेक श्योर कि यार परफेक्ट तरीके से काम हो, तो हमने डोर हैंडल्स वगैरह सब कुछ खोल लिया। बिकॉज मेजर जो स्क्रैचेज हैं व्हेन यू पुल द डोर हैंडल, तो यहीं पर सारे स्क्रैचेज आते हैं, राइट। सो वी कवर्ड दिस प्लेसेज एज वेल। ये सारा पीपीएफ हो चुका है, ऑल द डोर्स हैव बीन डन, पीपीएफ सारा हो चुका है डोर्स पे। वे क्या क्या हो गया? डोर्स हो गए, बोनेट हो गया, फेंडर भी हो गया। सो फेंडर इज ऑल्सो डन। यू कैन सी द फिनिशिंग, यार पता नहीं लग रहा कि पीपीएफ हुआ है। एंड द शाइन, द ग्लॉस इज ऑल सेम जैसे कार में था। बोनेट हो चुका है, बोनेट हमने फोल्ड भी किया है अंदर वाली साइड। भाई एक बार खोल के दिखाना बोनेट। अभी फ्रंट बम्पर करना है इसका। डिक्की भी हो चुकी है, सो वी विल बी कवरिंग द होल कार। पूरी कार विल बी डन पीपीएफ। जिनसे इसको नहीं पता पीपीएफ क्या होता है, मैं बताना चाहूँगा। दिस इज पेंट प्रोटेक्शन फिल्म, आपका पेंट प्रोटेक्टेड रहता है। दिस इज इट। अभी वी आर जस्ट वेटिंग कि ये चीज़ ड्राई हो जाए, उसके बाद इस चीज़ को टक इन कर देंगे। जैसे ये पूरा पीपीएफ हो चुका है, जैसे ये ड्राई हो जाएगा उसके बाद ये लेयर कट करके उसके बाद इसको टक इन कर देंगे यहाँ पे। सो यू कैन सी दिस इज़ अ ट्रांसपेरेंट लेयर, पूरी कार पे चढ़ जाती है। सारे स्क्रैचेस क्रचेस जो भी पड़ेंगे आपकी कार पे, वो सारा कुछ प्रोटेक्ट करेगी पीपीएफ। सो भैया ने बोनेट खोल दिए, यू कैन सी बिल्कुल टक इन किया है, बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से टक इन हुआ हुआ है। पता नहीं लग रहा कि पीपीएफ हुआ हुआ है, राइट। इज ऑल टक्ड इन। एक्चुअली कार हम कस्टमर के घर पे कर रहे हैं। कस्टमर वांटेड कि उनकी उनके घर पे किया जाए, उनके सामने किया जाए। सो जस्ट टू यू नो, इवन टू सैटिस्फाई द कस्टमर, इवन टू अगर यू नो एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, उनके घर पे किया हमने, उनके घर पे ही काम चल रहा है। सो अर्ली मॉर्निंग इस कार को वॉश करा दिया था, फॉर्म वॉश एंड ऑल दैट, है ना। उसके बाद काम शुरू किया, सारी कार पूरी क्लीन हुई, फिर हमने डोर हैंडल्स वगैरह खोले हैं उसके, डोर हैंडल्स और तो कुछ नहीं खोला, और तो कुछ नहीं खोला भैया हमने, बस डोर हैंडल्स ही खोले हैं ना। डोर हैंडल्स खोले हैं हमने और फिर हमने काम शुरू कर दिया। बिडिंग्स वगैरह भी खोली, बिडिंग्स इसलिए खोली, आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा अंदर तक टक इन किया है, पूरी अच्छी से कवरिंग हुई है। ये जो पीपीएफ होता है अच्छे से टक इन हो जाता है यहाँ तक, इसके ऊपर बिडिंग आ जाएगी, सारी क्रोम बिडिंग्स ऊपर आ जाएंगी यहाँ पे। सो राइट गाइज, अभी क्लीनिंग थोड़ी बाकी है, इसके ऊपर हमने अभी क्लीनिंग नहीं की, कुछ भी नहीं किया। यू कैन सी द स्पार्कल्स सारे विजिबल हैं, ये सारा कुछ पीपीएफ हो चुका है, सारे डोज हो चुके हैं। यू कैन सी द स्पार्कल्स जो ऑलरेडी पेंट के अंदर है, इट्स ऑल विजिबल। सो अगर किसी को लगता है कि ग्लॉस नहीं सेम रहता, तो ग्लॉस सेम रहता है। हमने जो पीपीएफ यूज किया है, बहुत अच्छी क्वालिटी का यूज किया है इसमें, तो इसमें ग्लॉस भी सेम रहा है। सो राइट गाइज, दिस इज मी पारिस, राइट। आई थिंक कार विल बी डन इन अबाउट 2 or 3 hours मोर। एंड हमने शुरू किया था अराउंड 8 o'clock। 8 o'clock वॉशिंग वगैरह प्रोसीजर वगैरह सारी क्लीनिंग वगैरह हुई, 10 बजे अराउंड कार शुरू की। एंड अभी टाइम हुआ है 2 o'clock एंड अबाउट आई थिंक 5 बजे तक मैक्स टू मैक्स पूरी कार परफेक्ट हो जाएगी एंड विल बी डन विद द कार। आई ट्राई टू पोस्ट मोर वीडियोज, एकदम और क्लैरिटी में आपको पता लगे कि हाँ और क्या काम किया है हमने इस कार पे। दिस इज अ ब्रांड न्यू कार, ब्रांड न्यू कार है। अभी भैया पीपीएफ कर रहे हैं।
सो दिस इज द पीपीएफ, ये हमारा पीपीएफ का रोल है. दिस इज द थ्री लेयर, इसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, वो हमने उतारी हुई है अभी. दैट्स द बॉक्स फॉर द पीपीएफ. इसके लिए स्पेशली बैटरी वाटर यूज़ करते हैं हम. सो ये बैटरी वाटर है, इसके लिए स्पेशली हम बैटरी वाटर ही यूज़ करते हैं. सो दैट इज़ मच मोर क्लीनर एंड बेटर. ये हमारे माधव भी हैं, इज ऑल्सो आर हेल्पर, बहुत अच्छे हैं ये. एंड दिस इज़ आर बलजीत भैया, ही इज़ अ बिग टाइम एक्सपर्ट. गाइस, कोई भी मेरी तरफ से कोई भी कंप्लेंट हो या कोई भी गलती हो या कुछ भी हो तो प्लीज़ बताइएगा. अभी बस स्टार्टअप है यार, इतना बड़ा बंदा नहीं हूँ मैं, आई एम जस्ट अ वेरी स्मॉल गाय. सो कुछ भी हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा एंड प्लीज़ लेट अस नो कि हमारी कोई कमी पेशी है, तो हम वील वर्क ऑन इट यार. डेफिनेटली हम उस चीज़ पर काम करेंगे और इम्प्रूव करेंगे अपना काम. सुबह जब हम यहाँ पे आए तो पहले सारा फ्लोर क्लीन कराया, सारे यहाँ पे जो भी था पूरा क्लीन कराया. सो जस्ट टू मेक श्योर कि डस्ट ना हो नीचे, एंड कार पहले क्लीन हुई, सब कुछ क्लीन हुआ, जस्ट टू मेक श्योर कि कोई डस्ट पार्टिकल्स ना आए. और जैसे जैसे पैनल्स हम कर रहे हैं वैसे वैसे वी आर ऑल्सो क्लीनिंग सिंगल सिंगल पैनल कि कोई डस्ट ना आए. गाइज, मैंने इतना लंबा वीडियो मैंने कभी इतना लंबा वीडियो नहीं बनाया. सो दिस इज़ लाइक वन टेक में पूरा वीडियो स्टच किया है मैंने, तो देख लेना यार कि कोई कमी पेशी हो तो बता देना यार. आई जस्ट वॉन्टेड टू मेक एवरीबडी वेरी क्लियर कि यार ऐसे काम किया जाता है, ऐसे हम काम करते हैं, एंड यू नो थोड़ी क्लैरिटी हो जाती काम के बारे में अगर एक फुल फ्लेज वीडियो बना के. As you can see, bonnet हो चुका है, fenders हो चुके हैं, doors हो चुके हैं, everything is all done. थोड़े से एक दो panels बचे हैं. So PPF के अंदर we'll be covering the whole car, पूरी car cover होती है, so that कहीं पर भी scratch लगे कोई कुछ भी हो, so the car, the paint and the car is all protected by paint protection film. Right guys, I'll take a leave now. Thank you for watching. अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अगर नहीं पसंद आया तो प्लीज़ हमें बताइएगा कि हम कैसे इम्प्रूव करें. थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग. थैंक यू, चीयर्स.